तुम्हें हौसलों की वादियों में क्या खबर, तुम्हारे नबी ने क्या क्या दुख देखे। हाय हाय, वाह या रसूल अल्लाह, बाप तो देखा ही नहीं, 6 साल की उम्र में मां भी उठ गई, यहां 25 बरस में कहानी खत्म हो गई, दी एंड हो गया। फिर आखिर हज़रत आमना ने आखिरी बार सारा जोर जमा करके फरमाया, बेटा मेरी मौत का वक्त आ चुका है, हर जिंदा ने मरना है, हर नए ने पुराना होना है, लेकिन एक दिन आएगा तू आलम को रोशन करेगा और आंखें बंद होगी। वहां से 10 मील दूर है बस्ती, पता नहीं किसने आके कब्र बनाई, पत्थर जमा किए खोद के या ऊपर अल्लाह ही जानता है, लेकिन जब कब्र बनने के बाद नीचे उतरे हैं तो हजरत उम्मे अमन ने देखा तो अल्लाह के नबी गायब थे, वो नहीं थे। तो उन्हें पीछे मुड़ के देखा तो ऊपर से रोने की आवाज आ रही थी, तो उम्मे अमन पीछे गई हैं तो अल्लाह के नबी माँ की कब्र पर यूं लेटे हुए थे, और जब वो करीब गई हैं तो सुना तो आप कह रहे थे मेरी माँ तुझे मालूम है ना तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के क्यों चली, मैं तेरे बगैर मक्के नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। ये माँ से बातें हो रही और नहीं पता कि यहाँ बस मुक गई गल कहानी। क्या दुख भरी घाटी थी जो वहां मेरे नबी पर आई।